तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूले। एडवांस एक्सेल फॉर्मूले आज हम बात करेंगे। तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में लास्ट क्लास में समझाया था, चलिए उसी फॉर्मूला में हम आगे बढ़ते हैं और उसी फॉर्मूला में आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कल हमने बताया था किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट वगैरह यूज करते हैं, आज हम आपको डेटा सबसे पहले डेटा कंबाइन के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे सुजीत और कुमार लिखा हुआ है, इनको आपस में हमें ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दो तीन फॉर्मूले। इसके लिए एक तो फॉर्मूला आपका है इसमें कोलकाता नेम, तो आप यूज करते हैं स्टार एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद एन परसेंट भी लगा सकते हैं कि इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट, बीच में सेपरेटर देना है तो स्पेस करके या कोई और सेपरेटर डाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक लिस्ट इसको आपस में ज्वाइन करना है कॉमा या किसी और से सेपरेटर या विदाउट सेपरेटर, तो इसके लिए एक्सेल में 2016 तक कोई ऐसा फीचर्स अवेलेबल नहीं, ठीक है, 2016 तक कोई ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं। लेकिन 2019 एंड ऑफिस 365 में एक ऑप्शन आया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। वो है हमारा कॉनकेट, कॉनकेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉनकेट बट कॉनकेट क्या है कि ये आपको विदाउट सेपरेटर का होता है, आप जो है सेपरेटर सेपरेटर चाहिए आपको, तो यहां पे आप क्या करें इसमें लगाए फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन, जी हाँ टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला इस्तेमाल करें। यहाँ पे कॉमा और क्या ब्लैंक को इग्नोर करना है, जी हाँ इग्नोर करना है, और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो। ओके, तो फॉर्मेट पहले ही दे देना है, कॉमा लगाना है, ब्लैंक दे देना है बीच में, टेक्स्ट ज्वाइन, जी हाँ टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला 2016 और 19 में है। एक चीज ज्वाइन आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास स्टार्ट डेट है एंड यहाँ पे एंड डेट है, तो स्टार्ट डेट में हमने मान लीजिए 1 जनवरी डाल दिया और आज का डेट डाल दिया, मुझे यहाँ पे कंबाइन करना है। अगर हमने यहाँ पे जैसे कॉन्कैटनेट या कॉनकेट कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू के ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो डेट है उसका ओरिजिनल वैल्यू नंबर होता है, तो ये प्रॉब्लम आएगी डेट पे नहीं, जितने भी नंबर फॉर्मेटिंग से सब पे प्रॉब्लम आएगी, तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ डेट कॉन्कैटनेट लगाए या कुछ भी लगाए तो उसमें हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में समझाया था टेक्स्ट फॉर्मूला, इसमें हम दे देते हैं dg/mmm/yy और इसको वापस यहाँ भी आते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ भी हम कॉमा dd/mmm/y आ गया, ये रहे विदाउट में ये
बीच में एंड लगाया है ना आपने सर, बाकी है ना। हाँ बाकी जो फॉर्मूला था उसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मूला ऐड कर दिया, क्लियर है। तो अब हम ज्वाइन तो सीख गए, अब सेपरेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं, मुझे इसको सेपरेट करना है। तो यहां पे हम जो है इक्वल लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से लेटर चाहिए लेफ्ट से उतना लेटर यहां से अलग कर दिए, और राइट से अलग करना है तो यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाए, इसको सेलेक्ट किए और उतना लेटर अलग करना है राइट से उतना लेटर हमने अलग कर दिया। फिर यहां पे फॉर्मूला आता है मिड का, मिड में आप जो है ये बताइए कि आपका मिड कहां से स्टार्ट है। तो हमने बोला कि मेरा मिड स्टार्ट है चौथे नंबर से, और कितना कैरेक्टर मिड का है तो तीन कैरेक्टर, तो चौथे नंबर से स्टार्ट किया तो डॉट आ गया, तो मुझे पांचवा करना चाहिए तो पांच। सेपरेशन के लिए तीन फॉर्मूले, लेफ्ट राइट मिड, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट से अलग करता है, राइट राइट से अलग करता है, और मिड जो है वो मिड से अलग करता है, क्लियर है। पर आपने 5 फिर कॉमा फिर 3 दिया है, आगे से 5 और उसके बाद नहीं, मैं मिड स्टार्ट कहां से, मिड हमारा स्टार्ट कहां से, ठीक है। स्टार्ट आपने 5 से दिया, हमने बोला कि मेरा स्टार्ट 5 में करेक्टर से, उसके बाद 3 क्या है, कि आपको 5 करेक्टर से कितना करेक्टर वापस लेना है। अच्छा लेना है जितना, ओके। यहां से मुझे 3 करेक्टर लेना है, ओके डन, समझ गई। कहां से स्टार्ट करना है, कहां एंड करना है, इसको एंड भी देना है स्टार्ट भी देना है जी। हम मिड से ले रहे हैं, और ये 1 2 3 में आप कर्सर ले जाएंगे, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें स्टार्ट या एंड देना है। ठीक है सर, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। इसमें दिक्कत कब होगी, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि ईमेल आईडी है IPT जैसे kumar@iptindia.com, मुझे इसमें से आईपीटी को, इसमें से मान लीजिए कि आईडी को अलग करना है, आईडी को अलग करना है एंड साइट को अलग करना है। तो जनरली आप बोलेंगे कि आईडी अलग करने के लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगा दूं, इसको सेलेक्ट करूं और 5 लेटर में लेफ्ट से अलग कर, आ गया कुमार, ठीक है। साइड में राइट जॉइन लगाएंगे, एक और इसमें आता है कि लेकिन मान लीजिए कुमार की जगह पे सुजीत कुमार हो, आईपीटी दिल्ली हो, ऐसे अलग अलग आईडी हो तब क्या करेंगे, आप काउंट कर दे लीजिए, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है ना इसका, ठीक
उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्च का. सर्च हमने बोला या फाइंड भी कर सकते हैं कि इसमें एट द रेट दिया हमने एंड कॉमा हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और बोला स्टार्ट हुआ. इसने बताया कि छठे नंबर पे एट द रेट है तो आप यहाँ लेफ्ट में 5 के जगह पे 6-1 कर दीजिए, अब ऑटोमेट हो. और इसके लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला राइट का, इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला देंगे लेंथ. देखिए कंप्लीट लेंथ, इसका कंप्लीट लेंथ माइनस जो फाइन का रिजल्ट है. तो आपके सामने यहाँ पे iptindia.com आ गया. इसमें कोई भी ईमेल आईडी क्यों ना हो, अपने आप वो अलग कर दे. कोई भी ईमेल आईडी होगा तो अपने आप उसको साइन कर दे. समझे? हेलो. हाँ जी सर, सुन रही हूँ. हेलो. हाँ सर. जो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं सर. तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं. अब आप मैम आप क्या रिसर्च कीजिए, जैसे कि मेरे पास कुछ नाम है, ध्यान से देख लीजिए. नाम है इसमें सुजीत कुमार सिंह भी लिखा हुआ है, इसमें मोहन शर्मा भी लिखा हुआ है. मतलब कि इसमें इसमें जो है दो नाम भी है और तीन नाम भी है और एक नाम भी है. मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग है. मोहन एक तरफ, शर्मा एक तरफ, ऐसा है ना? फर्स्ट नेम हो गया सुजीत और सिंह हो गया लास्ट नेम, राइट? हेलो. हाँ सर, मैं बोल तो रहा हूँ. ठीक है सर, ऐसे ही करना है ना? ऐसे ही करना है. इसको अलग कर दीजिए, कल हम मिलते हैं अगली क्लास में. सारे लोग सुबह में शिफ्ट हो गए क्या सर? हाँ, सुबह में शिफ्ट हो गए 7 बजे. अच्छा, तब तो शाम में सिर्फ मैं ही हूँ ना? शाम में आती है, तभी तो मैं आपका देर करता रहता. सर सर, इसी में आप तब वो टावर भी आई या टेबलो, ये दोनों साथ साथ ले लीजिए ना फिर मुझे, अगर मैं ही हूँ. एक ही टाइम में हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली 20-25 मिनट का एक क्लास होता है. इसलिए देखिए, अभी मैं टाइम तो आपको यहाँ 47 तक दिया ही है ना, 45-45 क्लास के बीच में खत्म होता है क्लास. अब ठीक है, लेट हो गई, अब नेक्स्ट बैच को मैं कैसे होल्ड करूँ? वो तो टाइम हमारे पास.